भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखं ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके। श्रुति प्रमाण है यजुर्वेद का कठोपनिषद, उसी के आधार पर भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता जी का 15वां अध्याय जिसका प्रारंभ किया, ये संसार एक वृक्ष के जैसे है। अंतर ये है कि ये संसार रूपी वृक्ष जिसका मुख्य मूल ऊपर है, श्रेष्ठ ऊपर है और बाकी सब कुछ उसके नीचे है। संसार वृक्ष कैसा है? मायामय। मायामय यानी दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला, क्षण क्षण में बदल जाने वाला, ऐसा ये संसार वृक्ष है। यह जो संसार वृक्ष चलता कैसे रहता है, तो इसको कहा छादना। छादना छंद, छंद वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको छंद कहा जाता है। जैसे एक गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, जो एक निश्चित नियम में बद्ध श्लोक होता है उसको हम कहते हैं छंद। एक निश्चित नियम है उसको कहते हैं नियम छंद। अब जैसे जिस मंत्र में 3 चरण हो और 24 अक्षर हो गायत्री छंद कहा जाता है, जिसमें भी। लेकिन गायत्री शब्द रूढ़ हो गया हमारा, रूढ़ अर्थ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप कहते हो ये गायत्री, लेकिन गायत्री यानी जिस छंद में 3 चरण हो और 24 अक्षर हो, 8-8 अक्षर के 3 चरण, वो सब गायत्री है। जैसे राम जी की गायत्री है, ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अभी राम जी की गायत्री हो गई, पढ़ा होगा आपके मंत्र पुस्तक में सब है। शंकर की गायत्री है, तरुण जी की गायत्री है, भगवान शंकर जी की गायत्री है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो, है ना। तो सबका एक छंद है, गायत्री एक छंद है, लेकिन रूढ़ हो गया वो गायत्री मंत्र के कारण। ऐसे जब यह 2 जो श्लोक है हम लोग जो पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा, अनुष्टुप छंद है, नियत है, 4 चरण होगा, 32 अक्षर होगा, तो उसको हम कहेंगे अनुष्टुप छंद। तो वेद की जितनी ऋचाएँ हैं वो सब छंद हैं। और क्यों छंद है? कि हम मनुष्यों को वो आच्छादित करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में उन छंदों का उपयोग होता है, हमारी सुरक्षा करते हैं धूप आदि से। अब कुछ नहीं, हम ना भी पढ़ें तो कम से कम पुरोहित तो पढ़ता ही पढ़ता है ना। घर में चलो, घर में कोई कार्यक्रम हुआ, स्वस्ति वाचन करेगा, देव शांति अंतरिक्ष शांति, तो वो हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। वही समझना संसार वृक्ष के पत्ते, जो इनको जानता है सो ही जानता है। ये संसार वृक्ष का यहाँ वर्णन। अब इसके कुछ अवयव, अवयव माने उसके और भेद कुछ होते हैं। कैसे? देखो, आधा चा ऊर्ध्वम तस्य शाखा, पहले इसको लें, तस्य शाखा। तस्य माने वो जो पहले श्लोक में बताया संसार वृक्ष, तस्य माने उसका, वो संसार वृक्ष का, शाखा यहाँ शाखा बहुवचन, उसकी बहुत सारी शाखाएं। अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसिताः, नीचे भी फैली है और ऊपर। आधा माने नीचे, ऊर्ध्व माने। तो तस्य यानी संसार वृक्षस्य, उसकी शाखाएं, अधः च ऊर्ध्वं नीचे ऊपर चारों तरफ है। बहुत बड़े बड़े, सबसे ज्यादा बड़ा पेड़ तो बरगद का होता है, फैला हुआ है ना। बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है। कलकत्ता में तो 1 किलोमीटर में है। उसके नीचे से जो है ट्राम जाती है, बस रोड जाती है। ऐसे ऐसे दो ऐसे निकल आए हैं, बहुत सारे जड़े जड़े, और उसके बीच में से सब जाते, तो ऐसा चारों तरफ फैला। अच्छा, अब जैसे ये वृक्ष है, तो वृक्ष को अगर आपको पालना पोसना है, बढ़ाना है, तो आपको उसमें खाद पानी भी तो देना पड़ेगा। खाद पानी नहीं दोगे तो कैसे बढ़ेगा? तो ये संसार का वृक्ष कैसे बढ़ता है? गुण प्रवृद्धाः। ये जो तीनों गुण हैं और तीनों गुण से प्रेरित जो कर्म करता है, अभी जो 14वें अध्याय में पढ़ा, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, वही तीनों गुणों से जब कर्म करता जाता है तो ये संसार वृक्ष को पालन पोषण मिलता है, बढ़ता जाता है। अच्छा, तीनों गुणों से किनारे हो गया तो दृष्टा हो गया, तो स्वरूप में स्थित हो गया, तो संसार तो उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये तीनों गुण में जब ऊपर नीचे होता रहता है, कर्म करता रहता है, तो ये संसार वृक्ष को खाद पानी खूब बढ़ता रहता। तो सत्वगुणी कर्म कियो, बढ़िया, ये फल ले लो, ज्ञान संगेन सुख संगेन, बढ़िया बंधे रहो। रजोगुणी कर्म किए हो, कोई बात नहीं, तृष्णा बढ़ती जाएगी, तृष्णा संग और कर्म करते जाओ। तमोगुणी कर्म किए हो, कोई बात नहीं, खूब खाओ और सो, प्रमाद आलस्य निद्रा भी है ना, तन निबंधनाति, इस प्रकार से बंधे रहो। तो ये गुणों से बढ़ता है। अब देखो, फिर ये संसार वृक्ष के सब लक्षण हो गए, नीचे ऊपर चारों तरफ इसकी शाखाएं फैली हैं और गुणों द्वारा प्रेरित जब क्रियाएं होती रहती हैं तो उनसे इसको खाद पानी मिलता है, बढ़ती। जब पेड़ होता है तो हमने शायद सवेरे भी इस पर कहा कि पुरानी पत्तियां झड़ती हैं तो बीच में कुछ नए नए पत्तियां आती, उसको कपोल बोलते हैं। नीम के पत्ते भी जैसे खाते हैं उसको, तो कौन सी पत्ती खाएंगे? जो कोमल हो, जो बिल्कुल नई नई पत्ती होती है उसको खाएं, समझिए। पुरानी कड़वी पत्ती ज़्यादा नहीं खाई जाती है। हमारे एक यहाँ पर पीछे मारता रहते थे, एक पेड़ यहाँ नीम का लगा था, उस नीम की पत्ती बचती नहीं थी उनसे, जब आवे मुट्ठी भर के खा जाते थे। अच्छे अब आजकल बिहार में नहीं। तो अब वो जो पत्तियां होती हैं, जो नई नई पत्ती होती है बिल्कुल अलग, उसको कपोल कहें किसी भी पेड़ में। तो ये संसार वृक्ष जो है, इसमें नए नए कपोल कौन से हैं? नया नया, बिल्कुल कोमल कोमल, बोले नया नया। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला, प्रवाला माने कपोल, नए नए पत्तियां। कौन है ये? 5 विषय। अब समझ आया कि नहीं? अरे रोज नई नई चीज बाजार में आती रहती है, खरीदते रहो। अभी कोई मोबाइल पुराना हो गया, नया वाला चाहिए। हाँ, एक चीज पुरानी हो गई, नई वाली चाहिए। अब एक नया वाला फ्रिज चाहिए, नया वाला टीवी चाहिए, नया वाला गाड़ी चाहिए, नया तरीके का घर बन गया। हाँ, पुराने जमाने में टाइल्स वाइल्स ना लगती थी। हाँ, किसी के घर में अगर मोजेक पड़ जाती थी, एक मोजेक होती थी ना, दाने 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 डालना, वो बड़ा मांगना रहता था। बड़े राजा लोगों के यहाँ मुझे तो जो है फर्श बनती थी, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो जो है मिट्टी गोबर लीप करके, नहीं तो सादा इसे प्लास्टर करके रहते हमने, प्लास्टर करके इसमें प्लास्टर है तो था पूरा। फिर वो गया ज़माना, अब नया ज़माना आ गया, अब ऐसी छत हो गई, वैसी हो गई, ये हो गए। हमारे लखनऊ में एक पंखा लगाया मेरे वाले को पहले, अब नहीं है, ओंकार मिला के लगाए, वो रिमोट से चलता था और उसमें न जाने 3-4 तरह का लाइट चलती थी। रिमोट से दबाओ लाइट बदल जाती थी, लाइट भी जलती थी और वो पंखे की स्पीड सब कुछ बदल जाता था। अब कहाँ लगा पता नहीं, होगा जरूर कहीं महाराज के बरामदे में लगा उनके है ना। हमने सोचा, हमने तो कहा भैया इसको ले जाओ, अब एक पुराना वाला पंखा ठीक नहीं, नए वाला ले आओ न पुराने। अब कहीं घर में बल्ब नहीं दिखाई पड़ रहे ना, गोल गोल विषय बदल गए। पहले गोल गोल से बल्ब आते थे 100 वाट का, 50-39 वाट का। फिर बोले वो आया लंबी लंबी डंडी वाला, सेफल आया, विषय बदल गया ना, नया नया वो भी चला गया। अब ये वाले आ गए तरह तरह के, ये LED वगैरह, तो वो कैसे विषय बदल कर सकते। हम लोगों को चश्मे में विषय बदल गया। पुराने ज़माने में जब चश्मा लगाते थे तो ऐसे मुनि जी जैसे, है ना, ऐसे होता था, बीच में ऐसे गोल गोल बना रहता था, वो नंबर वाला समझ जाते थे, गोल गोल ऐसे बनाए तो नंबर वाला है। अब फिर उसके बाद चश्मा बनाने का तरीका बदल गया, नया तरीका आ गया। दूसरा तरीका कौन हो गया, बोले वो गोल गोल दिखाई नहीं पड़ता। फिर और नया तरीका बदल गया। शायद तुम लोगों को पता नहीं, चश्मे में 1-1 लाख रुपए तक के चश्मे बनते हैं, 1-1 लाख रुपए तक के चश्मे। हमारा ये तो बहुत सस्ता है, 5-6 हज़ार का है, 7 हज़ार। ये तो तुमको जरूर पता होगा कि और हाँ, तो लाख रुपए। अब क्या विषय बदल गया ना, विषय बदल गया तो विषय प्रवाला। जैसे वृक्ष में नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं, ऐसे संसार में नया नया विषय, बिल्कुल नए नए। पहले कैसेट आती थी, फिर CD आई, फिर DVD आई, फिर डबल लेयर DVD आई, है ना। अब आजकल किसी का जमाना नहीं रहा, जो सुनना हो कहाँ, YouTube है, यही तो करते हो तुम लोगों का, करते हो है ना। तो सब आओ CD का बाजार में ढूंढने जाओ, CD कहाँ मिलती है, कैसेट कहाँ मिलेगा। विषय बदल गए, विषय तो विषय प्रवाला, नई नई पत्तियाँ, नए नए विषय, यही आता रहता है। अधश्च मूलानि, अरे ये नीचे की तरफ, मूलानि माने इसकी जड़ नीचे भी फैल गई। मूलानी अधः अनुसंततानि, मूल इसका जड़ जो कहा था पहले ना कि ऊपर है, तो परमात्मा को कहा, वो परमात्मा को कहा। लेकिन जैसे पेड़ में कुछ जड़ें ऐसे ऐसे जमीन में चलती हैं, उसी प्रकार से ये संसार का जो वृक्ष है, इसमें कुछ जड़ें नीचे चारों तरफ फैल गई। अब यहाँ मूल जो शब्द है, इसका परमात्मा अर्थ मत लेना। यहाँ मूल का अर्थ होता है बंधन, बंधन में डालने बल, संसार में जोड़ के रखने बल। अब यहाँ मूल का अर्थ वो परमात्मा, जैसे पहले वाले श्लोक में कहा था ना, ऊर्ध्व मूल, तो वहाँ मूल शब्द था परमात्मा के लिए, वह ऊपर है। लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा वह बांध के रखने वाला, जो संसार में एक दूसरे को जोड़ के रखता है, वो कहाँ है, बोले अधश्च, नीचे चारों तरफ। अनुसंततानि माने फैल गया, खूब फैला गया। कैसे, कर्मान बंधन, मनुष्य लोक ही, इस मनुष्य लोक में कर्म बंधन का जाल पूरा नीचे फैल गया। और एक कर्म एक दूसरे से बांधते रहता है, जोड़े रखता है। फिर आदमी कहता भी है, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारा ध्यान नहीं दिया, फिर यहाँ किया तो करके पितृलोक गया, वहाँ फल भोगेगा। फिर यहाँ किया कुछ कर्म तो उसको फल भोगने के लिए देवलोक गया, वहाँ भोगेगा। तो उसके जो कर्मानुबंधी, ये जो कर्म का बंधन है, ये अधश्च मूलानि, ये नीचे चारों तरफ, अनुसंतानी माने फैला, चारों तरफ फैल गया। खूब अच्छी तरह से। ये कर्म का जाल ऐसा फैल गया कि इसको तोड़ पाना मुश्किल ही। पूरा श्लोक का समझ लीजिए, फिर से श्लोक है। अधः च ऊर्ध्वं, नीचे और ऊपर, प्रसिताः तस्य शाखा, प्रसिता माने फैला हुआ, तस्य माने उस संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर चारों तरफ फैली, गुण प्रवृद्धा तीनों गुणों के द्वारा सिंचित होती है, विषय प्रवाला नए नए विषय इसके अंकुरित होते रहते हैं। अधश्चा नीचे की तरफ, मूलान इसकी जड़ें, इसकी जड़ें कौन सी जड़ें? कर्मान बंधी, एक कारण बंधन रूपी जड़ें नीचे अनुसंधितान खूब अच्छी तरह से फैली हुई। कहाँ पर? मनुष्य, इस मनुष्य लोक में जीव कर्म करता है बढ़ता है, कर्म करता है, कर्म करते जाओ। तो स्वामी जी ने एक शब्द लिखा, छूटे मन मलई के धोरे। जब कोई कहता है कि कर्म करने से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो गोस्वामी जी का व्यंग है, छूट ही मल मलई के धोए, पाँव में कीचड़ लग जाए और उस कीचड़ को धोने के लिए आप फिर कीचड़ में पाँव डालो तो आपका पाँव कोई साफ होने वाला है? जल से साफ होगा, लेकिन उसी कीचड़ से पाँव साफ होने वाला? तो कर्म करके तो हम बंधे हैं यहाँ पे, बट पहले कर्म ना किए होते तो यहाँ आना क्यों पड़ता? तो कर्म से तो बंधे ही है, और फिर कहते हैं कर्म से छूटना, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, ये है। अब इसका भाष देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आधा पहले आधा का परिभाषा देखना। आधो मनुष्यादिभ्यो यावत स्थावरम, ऊर्ध्वं च यावत ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एकद, अंतम यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि। चलो यहाँ तक देखो, आधा श्लोक में आधा शब्द है ना, आधा माने मनुष्य आदि, या जो हमारे लोग नीचे हैं, कौन? हमारा मनुष्य जो मनुष्य, मनुष्य आदिव्य, आदिव्य माने पेड़ पौधे पशु पक्षी, मनुष्य और ये सब को मिला दो, ये सब हो गया यावत स्थावरम। इस जगत में जितना दिखाई पड़ रहे इनको हम कहते हैं आधा। मनुष्य पशु पक्षी जड़ पेड़ आदि ये सब के सब। ऊर्ध्वम का अर्थ हुआ, ऊर्ध्वम माने यावत ब्रह्मा विसृजितो, ऊपर माने पितृलोक देवलोक इंद्रलोक यक्षलोक वरुण लोक, और उसके ऊपर कौन हो गया? सबके ब्रह्मा लोक। ये कहते ना आ ब्रह्म भुवनान ब्रह्म, तो जहाँ तक ब्रह्मा हैं, कौन ब्रह्मा? विश्व से जो धर्म, जो संसार को बनाने वाले हैं, वो सब का सब उनको समझ लो ऊपर। यहाँ आधा माने ये मनुष्य लोग, यहाँ के प्राणी, और ऊर्ध्वम माने ब्रह्मा लोक पर्यन धर्म इति एतद, यहाँ तक जो कुछ भी है क्या? इसी धर्म के द्वारा, धर्म एक माने ये संसार रूपी वृक्ष का स्वभाव है, धर्म माने इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप है। कहाँ? जितना नीचे है और जितना, यही संसार इसका, ये धर्म माने, यहाँ पर धर्म माने उसका यही स्वरूप है, यही उसका स्वरूप है। यह अंतम कैसा है? यथा कर्म यथा श्रुतम, ये थोड़ा सा उपनिषद का शब्द है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जीव कैसे आता है ब्रह्मलोक से लेकर के यहाँ तक में घूम कैसे रहा है? जैसे उसके कर्म है, यथा कर्म, जैसे कर्म होगा, यथा श्रुतम, जैसे उसने ज्ञान आदि को संस्कार में रखा है, उसका ज्ञान जैसे है, तो जैसे ज्ञान है वैसे लोक में जाता आता है, जैसे कर्म है वैसे ही लोक में वो आता। और यहाँ जीव जैसे अब देखो, पहले आया था अगर तमोगुणी है तो कहाँ गया? पशु आदि में, यही हो गया ना। सत्वगुणी है तो कहाँ गया? देव आदि में। तो यथा कर्म और यथा श्रुतम, जैसे उसका ज्ञान है, यथा श्रुतम माने ज्ञान, तो ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। जैसा ज्ञान होता है जीव वैसे कर्म करता है। हाँ, अभी हम लोग अगर किसी से पूछे विदेश जाना चाहते हो? कहे हाँ। हम पूछे कौन से देश? वो दो चार नाम लेगा जो उसके ज्ञान में है, अमेरिका, लंदन, यही ना, इंग्लैंड, अमेरिका। और आप फ्रांस जा चुके हो तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, हांगकांग, जो उसके ज्ञान में होगा उतने तो नाम लेगा ना। जो उसके ज्ञान में नहीं होगा वो, अब एक देश है अलास्का, जाना चाहिए कोई? अलास्का 65 दिन की रात्रि होती, जितना 65 दिन हमारा है इतना 65 दिन तक सूर्य का दर्शन नहीं होता, इतनी बड़ी रात होती है। जाना है किसी अलास्का? अलास्का है। पंजाबी लोग सबसे ज़्यादा कनाडा में होते हैं, कनाडा में पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमारे ज्ञान में जो देश होगा हम वही जाना चाहेंगे। हम पूछे दक्षिण भारत जाना है आपको यात्रा पे, आप कहोगे हाँ। कहाँ? दक्षिण भारत में कहाँ पर? रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, हाँ, और सोने का मंदिर वाला पद्मनाभ मंदिर, ये कन्याकुमारी। और कहाँ जाना चाहोगे? हाँ, कहाँ? मदुरै, मीनाक्षी देवी। जो जो ज्ञान है वही ना। हम्पी जाना है? हम्पी, हलेबी, हासन, देखा, ये सब हमारे देखे हुए हैं। अब वो नाम जो नाम नहीं जानते वहाँ जाने की कभी इच्छा क्यों? लेकिन जबकि हम्पी, हलेबीड, हासन, यहाँ के मंदिर बिल्कुल चौंकाते हुए, जरा भी टूटा नहीं। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर तोड़ दिया, और जगहों पर मूर्तियाँ टूटी टाटी हैं, लेकिन हासन, हम्पी, हलेबीड तो ज्यों पाते हो सुरक्षित है। तो जो चीज़ आपके ज्ञान में होगा वही जाओगे ना, वैसे कर्म करोगे। चलो आज ये सामान लेकर के वहाँ पर चलते हैं। कितने लोग जो है अपने हरिद्वार में आते हैं, माया देवी का दर्शन नहीं कर पाते, पता नहीं है ना, नहीं जानते। वो चंडी देवी गए, मनसा देवी गए, हर की पौड़ी स्नान किए, चले गए। क्यों? क्योंकि जितना ज्ञान यथा कर्म, यथा बहुत बढ़िया शब्द है, यथा कर्म, जैसे कर्म किया है वैसे लोक में जाएगा, और यथा सुतम, जैसा उसका ज्ञान है उसी लोक में जाएगा। तो ज्ञान और कर्म के अनुसार यह जीव संसार वृक्ष में ऊपर ब्रह्मा तक और नीचे मूढ़ पशु आदि योनियों तक आवागमन करता है। ये है सिद्धांत। ज्ञान कर्म फलानी, ज्ञान और कर्म जैसा होगा वैसा फल पाएगा ऊपर नीचे तक। अब देखो फिर से, अब यहाँ आपको ले आ रहे तस् श्लोक में होगा ना, तस् तस्य वृक्षस्य शाखा यु शाखा प्रसीता प्रगरता गुण प्रवृद्धा गुणै सत्वरज तमो भी प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादान भूतै। देखो तस्य माने वो वृक्ष, संसार वृक्ष, जिस संसार वृक्ष की बात कर रहे हैं, उसकी शाखा माने बहुत सारी शाखाएं, बहुवचन। तो जैसे पेड़ में शाखा पर शाखा निकलती रहती है वैसे शाखा यू शाखा, ऐसे संसार वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं। अब हमने एक नाम ले लिया देवलोक। देवलोक तो देवलोक में क्या है? एक इंद्र का लोक है, वरुण का नहीं होगा, कुबेर का नहीं होगा, चित्रसेन गंधर्व का अलग से नहीं होगा। तो वो शाखा पर शाखा निकलती गई ना, तो अनेक अनेक शाखाएं प्रसिद्धा प्रकर्ता, एक एक ही। अच्छा जैसे आप कहते हो मनुष्य लोक, आपने एक नाम ले लिया, इसको हम कहते हैं मर्त्य लोक। मर्त्य लोक माने जहाँ जीव आकर के कुछ दिन के बाद मर जाता है, तो इसको हम भूलोक, मर्त्य लोक, मनुष्य लोक, ऐसे। तो मनुष्य लोक में क्या हमारा भारतवर्ष है? मनुष्य लोक में क्या जल में जो जीव चल रहे हैं, समुद्र में लाखों लाखों नहीं आएंगे? हाँ, वो भी तो आएंगे। और जो वहाँ अफ्रीका आदि में जो है आदमी रह रहे हैं वो भी तो हमारे मनुष्य लोक में। और ऐसे ऐसे आदिवासी, भील आदि हैं जिनके बारे में आज तक समाज को कुछ भी पता नहीं। उसको कहते हैं संरक्षित जनजाति, संरक्षित जनजाति। अब दूसरे देश का तो जाने दो, अपने भारतवर्ष में जो है अंडमान निकोबार के पास में कुछ टापू ऐसे हैं जहाँ पर कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, अभी तक कोई जा नहीं सकता, संरक्षित है। कोई आदमी वहां पर पहुंचता है तो मार डालते हैं। महाराज अपने जो सनातन चेतन है ना, वो 4 साल अंडमान में रहे ना, फोर्ट में, तो बताते थे वहाँ ढेर सारे टापू हैं समुद्र में, तो कुछ टापुओं पर ऐसी जनजातियाँ रहती हैं कि सरकार कहती है वहाँ कोई जाओ, प्रतिबंध प्रतिबंधित है, और कोई जाता है तो लोग मार डालते हैं बाणों से। कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। एक आदमी पकड़ा गया था, एक आदमी को पकड़ लिए थे, पकड़ के लाए थे और वहाँ फोर्ट ब्लेयर में जो है कहीं पर उसको रखा था। तो 4थी मंजिल से छलांग लगा के भाग गया था, 4थी मंजिल से खिड़की से छलांग लगा के भाग गया था, क्योंकि उसकी भाषा ये लोग कोई समझ नहीं पाता था वो क्या बोल रहा है, वो करके। तो अभी कितने सारे लोग हैं, कितने तरह के। एक मनुष्य लोक में यानी जैसे एक पेड़ की शाखा में से दर्जनों छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे सब लोक में अनेक अनेक शाखाएं निकलती हैं, अनेक शाखाएं। हम जैसे आप वो कहानी सुनी नहीं कि कोई मुल्ला था, वो देखा कि इतने लोग काय बैठे हैं, बोले यहाँ भंडारा हो रहा है, बोले हम भी खा लें, बोले लेकिन पंडित जी बन के बैठना पड़ेगा, ऐसे ना। तो उसने 2-4 शब्द सुन लिया और वो कुर्ता उतार दिया, जनेऊ भी नकली डाल लिया, चंदन भी लगा लिया और जाके बैठ गया। अब उसमें जो कोतवाल था वो आया पूछते हुए, कौन हो तुम? तो सब बता रहे थे हम शुक्ला हैं, हम दीक्षित हैं, हम फलाना हैं, ये वो। तो इसके पास आए थे, ये रख दिया था कुछ न कुछ। उसने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मैं पांडे। कौन सा पांडे? पांडे में कौन सा पांडे? कितने विश्वा वाले? उसने कहा या अल्लाह, पांडे में पांडे। अब बताओ, तो अपने यहाँ तो शाखा पर भी आप ब्राह्मण हो, कौन हो? कान कुब्जे की सरजू पारी, सर छुपा। फिर इसमें कितने सरनेम है, शुक्ला, दीक्षित, पांडे और मिश्रा, तिवारी। तो शाखा पर शाखा, कितना बढ़िया सब लिखा। तास्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा, जैसे वो संसार वृक्ष है, तो जैसे पेड़ में शाखाएं अनेकानेक निकलती हैं, ऐसे संसार वृक्ष में शाखा पर शाखा निकलती रहती है। प्रसिद्धा माने प्रकृता, बहुत सारी निकली है। गुण प्रवृद्धा, गुणई सत्व रज तम, तीनों गुणों के द्वारा, यही सत्व रज तम गुणों के द्वारा प्रवृद्धा ये बढ़ाई जाती है। स्थूली